नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आकु नबा किंतु प्रथम देखि नबा हेडलाइंस पवित्र बुद्ध पूर्णिमा नेपाल गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिसा रे खाखा पड़िछि कीर्तिराजी बौद्ध पर्यटन रा अपार संभावना थाइबे काहे की फायदा नै परुनी ओडिसा सामनाक आसला ज्ञान बापी मस्जिद रत मस्जिद कोरु मिलला शिवलिंग हर हर महादेव नारे कंपिला काशी मस्जिद स्थान में पूर्व शिव मंदिर थिवार मिलला प्रमाण स्थानीय कोर्ट का निर्देश सिल कर प्रवेश निषेध कर जमैका रे पहुंचले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विमान बंदर रे करागला भव्य स्वागत जमैका रे रहुतवा भारतीयों को भेटिले राष्ट्रपति और तांक पत्नी कौन द्वीप देश को यह भारत राष्ट्रपति प्रथम गस्त आसाम बर्षार तांडव लीला बनारे फसला सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस 119 पैसेंजर को एयरलिफ्ट कला भारतीय वायुसेना तीन निखोज उद्धार कार्य जारी आनावान प्राक मौसुमी वर्षा आसंता 24 घंटे दक्षिण आंडमान सागर निकोबर संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसगर सक्रिय हो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ए वर्ष ओडिशा रे शीघ्र पहुंची पारे मौसुमी पवित्र बुद्ध पूर्णिमा नेपाल गस्तर थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन करछन्ति लुम्बिनी मठ परिसर रे बौद्ध संस्कृति एवं ऐतिह्य एक केन्द्र शिलान्यास करछन्ति हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खा खा पड़िछि कीर्तिराजी बौद्ध पर्यटन रो अपार संभावना थाई भी काहे के फायदा नै पारुनी ओडिशा पवित्र बुद्ध पूर्णिमा रे नेपाल गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामाया देवी मंदिर परिदर्शन सह बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम रे जोगदेले मोदी हेले बौद्ध संस्कृति संपन्न ओडिशा रे खा खा पड़िछि कीर्तिराजी बौद्ध पर्यटन रो अपार संभावना थाइपे काहे कि फायदा नै पारुनी ओडिशा बुद्धिस्ट टूरिज्म को काहे कि विकसित करुनाते राज्य सरकार पवित्र बुद्ध पूर्णिमा अवसर रे नेपाल गस्त करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि अवसर रे लुम्बिनी रो महामाया देवी मंदिर रे पूजार्चना करिछन्ते प्रधानमंत्री सांगरे थिले नेपाल प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा अवसर रे महामाया देवी मंदिर परिदर्शन करिछन्ते मोदी लुम्बिनी मठ परिसर रे बौद्ध संस्कृति एवं ऐतिह्य पई एक केन्द्र रो शिलान्यास करिछन्ते मोदी सेपटे बुद्धिस्ट सर्किट कहुवा उत्तर प्रदेश कपिलवस्तु कुशीनगर सरनाथ एवं बिहार बोधगया राजगीर वैशाली आदि बौद्ध पर्यटन स्थल में बौद्ध पूर्णिमा अवसर में हजार हजार पर्यटकों भिड़ जमुई थाइलैंड भूटान कोरिया जापान भिएतनाम एवं म्यांमार बौद्ध धर्मावलंबी सुअ छुटुच्छे आ उत्तर प्रदेश और बिहार भ राज्य माने हजार हजार कोटी टंकार राजस्व पाउछंती भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। ओडिशा रे मध्य रहिछि बौद्ध परंपरा और संस्कृति रो भंडार जाजपुर जिला रे रत्नगिरी उदयगिरी पुष्पगिरी ब्रजगिरी लांगुड़ी भली बौद्ध कीर्ति रहिथिबा बळे राजधानी भुवनेश्वर रहिछि धौली शांति स्तूप एवं चंडाशोकरु धर्माशोक पालटिथिबा सम्राट अशोकक शिलालेख महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठा होइथिबा भव्य बुद्ध मंदिर मध्य अछि सेहिपरि गंजाम जिलार जौ गडरे मध्य अशोकक शिलालेख संरक्षित रहिछि एहा सह गजपति जिलार चंद्रगिरिरे थिबा जिरांग बौद्ध मंदिर मध्य अन्यतम बौद्ध पर्यटन स्थल बौद्ध धर्मर प्राण केन्द्र होउछि ओडिशा
ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଆନ୍ତା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର ତାମ୍ରଲିପ୍ତରୁ କଳିଙ୍ଗ ପୋତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଳକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ କଳିଙ୍ଗର ଆଠଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ସିଂହଳ ଯାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏଭଳି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମାତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ବୌଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ବଣିକ ପାଞ୍ଚଟି ଶଗଡ଼ ଧରି ଉତ୍କଳରୁ ମଧ୍ୟମ ଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତପସ୍ୱଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମୟରୁ ନେଇକି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ 1568 ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲାମା ତାରାନାଥ ତିବତାନ ମଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି। ହୀରକ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କହୁଛେ ଲଳିତଗିରି ଉଦୟଗିରି ରତ୍ନଗିରିକୁ, ସେଗୁଡ଼ା ତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ପ୍ରମୁଖ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଯେଉଁ ରକେଟ ଶିଳଲିପ ଅଛି, ଶିଳଲିପିଟାକୁ ESI ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ଡେସିଫରିଂ କରିକି, ଏତେ ବଡ଼ ଶିଳଲିପି ଅଶୋକର କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ସେଇଟା 18-19 ଶିଳଲିପି ଅଛି, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ସେପଟେ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍କା ସୁଖାପଡ଼ା ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖନନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁଧାୟନ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ, ମୁହଁରେ କଳା ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍କା ବ୍ଲକ ଲଳିତଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ପରିଚୟ କ୍ରମଶଃ ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବିକାଶ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସୁକୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଲଳିତଗିରି ଯେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ, ତାର ଅଂଶ, ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ମାଜେଷ୍ଟିକ ମୋନାଷ୍ଟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ପୁଷ୍ପଗିରି ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ଏଠି ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, କୋରଗିରି, ଏହାର ଆମର ଗଜପତି, ଏହାର ପୁରାମାରୀ ଡେଙ୍ଗଅସ୍ଥା ସବୁ ଯାକୁ ବୁଦ୍ଧରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକୁ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର କାହିଁକି ହେଉନି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରିବା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯଦି ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସର ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତିରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ, ଭୁଲ ସାଲାଇନ୍ ନେଇ 15 ଅଧିକ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର, ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାହାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୁଲ ସାଲାଇନ୍
दिया जो 15 अधिक रोगी गुरुतर होती डायरिया वार्ड में रोगी को भूल सलाइन दिजिव रोगी मैंने गुरुतर होवासर देह थर को लगी समस्त को कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर कर तेज ये भूल सलाइन दिजा पक्षर ये कहार अवहेला अघटन किभली घटला सेने कौन प्रतिक्रिया वर्तमान सुधा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पक्षर आसी ना वर्तमान रोगी अवस्था स्थिर थी सूचना मिली तो ये अति झाड़ा 4 दिन मो माँ भी होते सी डिस्चार्ज हो झाड़ा थार्ड नोट सालाइन जो लगे वार्ड में प्राय 8-10 जन एम थरी सालाइन न सर पूर्व छराटा आरंभ होगा से सालाइन गुड़ा खोल नहीं गले आम मड़ बस धरला बाद कंट्रोल है कंट्रोल इंजेक्शन दे आरएल बा रिंगोर लैक्टेट दिया से माने डायरिया वार्ड में एडमिशन होते दबार 5-10 मिनट पर कंपो है कंपो हवा फल आम तो स्टाफ मैंने आडभाइज कराइले बंद करदे बंद कर ब्याच्र जो ब्याच्र आरएलटा रिएक्शन है कंपो है रखिदेलु सीज कर रखिदेलु अलग कंपानी से आरएल को देलु से सुस्थ हो गले आम काली लेटर करूँ ड्रग इन्स्पेक्टर को से आसी सीज को रखिए टेस्ट करेंगे टेस्ट कर सारापर आम से इनफर्मेसन देवे कौन एक्चुअली फैक्टा कौन अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि तापस दास तापस कौन वर्तमान डाक्तरखाना पक्षर एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन सफाई दौंस केमती एत बड़ भूल हो गला रोगी जीवन सहित ये खेल निश्चित भाव में शक्ति भाई देखो आज अपराह्न समय एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचा जगत सिंहपुर जिला मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र रही है स्वास्थ्य केन्द्र एक बड़ खबर आसी पहुंचा 10-15 जन रोगी मैंने जो डायरिया वार्ड रही थे देहर भूल सालाइन लग जाता जहाँफल रोगी देहात थरवाक लगी घटना तीव्र प्रकाश ना पड़े तुरंत मेडिकल अधिकारी डॉक्टर दल मैंने घटनास्थल में पहुंचा सहित सांगे सांगे से सालाइन को पकड़ हटाई दी जाता है आउ सालाइन लगा दी जाता है तेज गुरुत्वपूर्ण कथा जब डॉक्टर सठिक समय रही था रोगी मान पाखे सठिक चिकित्सा कराई था घटना सामना को आसी न था तेरे जे जगत सिंहपुर जे मुख्य चिकित्सा एडीएम जे रही है आम प्रतिक्रिया कहवा मुताबक जो सालाइन लगता है बर्तमान सीज कर नुआ सालाइन लग दी जाए तेज गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ ये जो बड़ अभियोग आसला जो घटना घटला भगवान बसत क्या तो किसी यदि दायी किए रही कौन कार्यानुषान तो परवर्त करता तेज जदि डाक्तरी दल सठिक भाव चिकित्सा करेंगे घटना सामना को आसी ना जहाँ एडीएम जहाँ प्रतिक्रिया रखुते कहवा मुताबक बर्तमान से समस्त सालाइन को सीज कर दी जाए परवर्त समय तहार जहाँ रही तदंत प्रक्रिया तदंत प्रक्रिया करागला समस्त तथ्य सामना को आस गुरुत्वपूर्ण कथा जो 15 जन रोगी थे जो अधिक जो मानक स्वास्थ्यवती अवस्था अधिक गुरुतर होता है से चिकित्सापी कटक स्थानातरित कर किसी रोगी को बर्तमान डिस्चार्ज कर दी जाए तेरे बर्तमान कथा जी कह बर्तमान जहाँ अपडेट अच्छी बर्तमान जो वार्ड रही वार्ड में 2 जन रोगी अच्छे आज रोगी ना एक खबर सामना को आसूँ तेज गुरुत्वपूर्ण कथा जो अघटना घटला कमी तरह तदंत किभली हेब भाव में स्वास्थ्य विभाग किभली तदंत कर जो सालाइन डिपार्टमेंट रही है जो सालाइन से कंपनी जगह ताप्रति किभली कार्यानुषान ग्रहण करपेक्षा शक्तिशाई तेज जो मैंने कटक स्थानांतर कर अवस्था केमती अच्छी किसी खबर अच्छी तापस हाँ निश्चित भाव में शक्तिशाई देखो जो 10-15 जन रोगी देते समस्त स्वास्थ्य अवस्था बर्तमान ठीक ठाक रही जगत सिंहपुर जो शिक्षा जो चिकित्सा अधिकारी से आम प्रतिक्रिया बैट देखकर कहवा मुताबक जितेबाला रोगी मान देह थरला जो गुरुतर संकटापन्न होते प्रथम प्राथमिक चिकित्सा कराइला संगे संगे से सालाइन लग जाता से ही सालाइन को हटाई दी जाए आउ एक सालाइन दी जाए इंजेक्शन दी जाए और तार प्राथमिक चिकित्सा कराइला तेज तार भितर जो किसी रोगी रही जो मानक स्वास्थ्यवती अधिक
गुरुतर रही से कटक स्थानांतरित करो मैंने रही है रोगी जो मानक स्वास्थ्य अवस्था भल रही डिस्चार्ज कर दि जाए तेज गुरुत्वपूर्ण कथा जो सालाइन रही है ये कंपानी प्रति किभली कार्यानुषान ग्रहण करते घटना घटला जो मैंने घटना संपुक्त अच्छा प्रति किभली कार्यानुषान तेज कल जो तदंत हम से जो सालाइन को टेस्ट कर कौन टेस्ट आसूँ तदंत कि हम से तदंत की अपेक्षा परवर्त समय कौन राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग विभाग एप्रति कौन कार्यानुषान रोचे ताकि अपेक्षा करने पड़ा शक्ति साई ओके धन्यवाद आप सूचना जो भाई भाव में सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि से बर्तमान कहु जो ड्रग्स विभाग जी की सप्लाई करती मेडिसिन से मानकर भूल ये भूल सलाइन सप्लाई करते किंतु ये कथा किभली भाव में सालाइन दि जा पूर्व जांच करागला जो तदंत कर प्रकृत दोषी जी विरोध में कार्यानुष्ठान पार तो ये हूँ बड़ प्रश्न कारण ये रोगी जीवन सहित खेल रोगी जो 15 रोगी अवस्था गुरुतर है से कि भी हो पारि था परवर्ती खबर को जीवा सामना को आसला ज्ञान बापी मस्जिद रत मस्जिद कूर मिलला शिवलिंग मस्जिद स्थान में पूर्व शिव मंदिर थवर प्रमाण मिलवा पर हर हर महादेव नारे कंपी पूरा काशीनगरी सामना को आसला ज्ञान बापी मस्जिद रत मस्जिद कूर मिलला शिवलिंग हर हर महादेव नारे कंपिला काशी मस्जिद स्थान में पूर्व शिव मंदिर थी कोर्ट निष्पत्ति को दुई पक्षर अपेक्षा शेष होइछि ज्ञानबापी मस्जिद र सर्वे कार्य कोर्ट निर्देश अनुसार तीन दिन धरि चलिथिबा भिडियोग्राफी सर्वे कार्य शेष होइछि तबे जहां पूर्वरु संदेह करा जाउतिला ताहा सत प्रमाणित होइछि मस्जिद मध्यरे थिबा एक कुवरु मिलिछि शिवलिंग ए बाबदरे प्रकाश करिछन्ति हिंदू पक्षर आईनजीवी तथा सर्वे संप्रुक्त थिबा व्यक्ति माने ये हमारे धर्म में है कि नंदी जी का जो फेस होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है तो वो जो शिवलिंग की तरफ होता है हम लोगों के पास जो आंकड़े थे तो उस आंकड़े के अनुसार हम लोगों को जिस जगह पे संदेह था वहाँ पर हम लोगों ने माननीय कमिश्नर के माध्यम से कहा गया कि इस जगह के लिए इसको जरा सा दिखवाया जाए इस जगह को वो उसको जो है जरा सा उसकी छानबीन की जाए तो, हाँ साफ सफाई की जाए तो जब उस जगह की साफ सफाई की गई तो वहाँ से जो है अपने को जो है आज एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है हमारा जो है तबे यार भीतर और अनेक किसी तथ्य को नहीं प्रश्न सृष्टि होई छी कि बड़ी स्थिति रे रही छी ज्ञानबापी मस्जिद रा चर्चित पश्चिम कांथ मस्जिद रा कांथ रे अधिष्ठित देवादेवी अछंति कि धर्मस्थली परिसर रे रही छी आउ केउ केउ रहस्य तबे सर्वे शेष होइतिबा बेले मस्जिद परिसररु किछि चांचल्यकर प्रमाण मिलिथिबार दाबी करा जाउछि तबे ए दिगरे कोर्ट निष्पत्ति को अपेक्षा करा जाइछि आज के इस रहस्योद्घाटन के बाद जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद अब ये रोक नहीं पाएंगे दे कैन डिले बट दे कैन नॉट डिनाई कानूनी पचड़ों में डालकर लटकाया जा सकता है लेकिन भटकाया नहीं जा सकता और पूरा देश अब यह मांग कर रहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भारत के मुसलमानों का कोई संबंध नहीं होना चाहिए उन्हें खुद आकर सामने कहना चाहिए मथुरा और काशी छोड़ें बाकी जगह भी अगर इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं तो हम उन आक्रमणकारियों से नाता तोड़ेंगे देश से नाता जोड़ेंगे और इन सब चीजों को हिंदुओं के हवाले करेंगे वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट का सूचना अनुसार शेष दिन रे दीर्घ 2 घंटा धरी सर्वे चलीथिला एहा परे कोर्ट पक्षरु सर्वे काम बंद कर दिया जायछि एही सर्वे को नै उभय पक्ष संतुष्ट थिबा कह जाउथिबा बेले आसंता काली कोर्ट रे सर्वे रिपोर्ट दाखल करिवे कोर्ट कमिशन तेबे शिवलिंग मिलिबा परे एहा को नै शिवभक्त मानंक मध्य रे आनंदर लहरी खेली जायछि ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी से बाज आएं उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है सब लोग खुश हैं सर्वे से सेवा परे कोर्ट शिवलिंग मिलिथिबा स्थान को सील करने को निर्देश दे छंती यहाँ सह कौन व्यक्ति को सेठा को न जीवा को कोर्ट निर्देश रही
सुरक्षा दायित्व जिला प्रशासन एवं सीआरपीएफ को प्रदान करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। स्वामीक शेष इच्छा पूरण कले महिला जमी बिक्री करी जगन्नाथ को 20 लाख टंका दान करने सहित मो स्कूल कार्यक्रम में पिलांक शिक्षापाई 15 लाख टंका दान कर महिला जनक होती बालेश्वर बस्ता सदानंदपुर 70 वर्षीय सुप्रभा पंडा सुप्रभा सतान नगन्नाथ को पिलांक शिक्षापाई से टंका दान कर स्वामी सुप्रभा स्वर्गत श्रीयुक्त पंकजकांत पंडा तांको मनरे सबुबेले शिक्षा प्रति आदर थाए आउ प्रत्येक देवादेवी प्रति यथेष्ट भक्ति थाए तेणु आमर संतान संपत्ति केही नाहांती आमे सबुबेले भावु जे अन्य सबु पिला तो आमरी पिला तेणु किछि जदि आम द्वारा उपकार हेइ पारे अन्यर आम जीवन रे जदि आमे जेतिकि सक्षम आमर सक्षम आमे जेतिकि साहाय्य करि पारिबाकु सक्षम से जदि परोपकार लगे पारू ताहले आमे निजे तो खुशी हबु ताद्वारा आम भावचु ठाकुर मध्य खुशी हे आमको सी सक्षम कर दुखरे दुखी हाँपी जी भी जितेबाद सुविधा असुविधा आसिक आम पाखे ठिया केतेबेले भी मो स्वामी क्या सी निराश करके फेरे ना मत सब कहते भगवान आमको क्षमता जदि दे सब तो दान आउ तेणु से आम पारू पर्यंत अन्य को सेवा प्रदान करू पीसा शेष इच्छा थी आप पूरी श्रीमंदिर को किसी दान करने तेणुक से पीसी भी देह मझे मझे खराब रोचे सी भी बहुत बार मत कही सारे मोर के कौन हम कौन ना जो पीसा कही गोटे कथ से कथा जिते शीघ्र पूरण कले भी गोटे मैं मनरे भी गोटे शांति लगे तेणुक आम दुई थर तीन थर चेस्टा करूँ तथा जगह जो डोरी न लगे आम पारे ना दुई सप्ताह धरिकी मुझे प्लां करी जी जापारे हठात से दिन आम बाहर बाहर की जाइए आप संगे संगे आम से प्रशासन भी बहुत साहय कर संगे संगे आम सबकि आपंकर सीएम को बहुत प्रकार प्लां देखी आम से प्लां देख लु मंदिर डेवलपमेंट रो मंदिर ट्रस्ट को देलु से कहे आप यार जो सुधटा आप कौन करेंगे मुझे कहे आम कहूँ जो पीसी गोटे इच्छा अच्छी आप रुक्णी बहुत दिन आप जो महाप्रभु पाखे जो भोग लगे से भोग जो भोगटा लगे से कहे भोगटा बाहर आप कौन करेंगे आप नहींजे ना ब्राह्मण मान को देते ना अनाथ आश्रम को देते आम से तीन चार अप्सन थी आम से अनाथ आश्रम को दबू बोलिए शेष सिद्धांत कलु अनाथ आश्रम को देवाई कही समय बुलेटिन बर्तमान खबर को ये रखा नमस्कार।